सो लास्ट टाइम जब हम जयपुर गए थे मैं आपको साथ लेके गया था और आपको एक स्पीकर के बिहाइंड द सीन्स की लाइफ दिखाई थी कि कैसे मैं प्रिपेयर करता हूँ, कैसे ट्रैवल होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो इस बार भी आप लोगों ने पूछा इतना टाइम कैसे मैनेज करते हो, इंस्टाग्राम पे कई क्वेश्चंस आते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करते हो, इतना ट्रैवल भी है और साथ में शूट्स भी हैं, बिजनेस भी है, सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कैसे होती है। तो इस ट्रिप में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जो आपको बहुत काम आएंगी चीज़ें, कौन सी चीज़ों का आप भी ध्यान रख सकते हो और अपनी फास्ट लाइफ में स्टेबल माइंड के साथ चल सकते हो, भागती जिंदगी में एकदम शांत मन से चल सकते हो। की तरफ जा रहे हैं और गले से आइडिया हो रहा होगा, गला बैठ चुका है। सो हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो गया से निकल के यहाँ पे पटना पहुँचना है, तकरीबन गया से पटना 4 घंटे, वहाँ से फिर फ्लाइट है 6 बजे और वाया बैंगलोर पहुँचेंगे हम गोवा जो 11 बजे के आसपास, और सुबह है फुल डे वर्कशॉप 8 घंटे की। अब ये सारा कुछ कर पाना टाइम मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। सबके पास टाइम जो है वो सेम है, एक जैसा टाइम है 24 घंटे, कौन उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कौन कितना सक्सेसफुल हो रहा है। एक टिप जो बहुत हेल्पफुल रहेगी टाइम मैनेजमेंट पे वो है कि रात को अपने अगले दिन को प्लान करना और आज के दिन को रिव्यू करना, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार बड़े जोश के साथ हम ड्रीम बनाते हैं, गोल बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि यार करना है, हफ्ते दस दिन बाद मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम हर रोज़ उसको चेक नहीं कर रहे कि आज मेरे दिन में मैंने उसको कैसे किया। क्या वो गोल बहुत बड़ा था, छोटा कर लो, क्या वो एक्शन ज़्यादा बड़ा सोच लिया था, छोटा कर लो, क्या कोई रिव्यू करने वाला है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने सही करी कल भी करूँ, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे जहाँ मैं गलत हो गया या मुझे अपने प्लान को एडजस्ट करना है। रात को सोने से पहले सिर्फ इतना चेक कर लें कि आज के दिन का जो प्लान था वो कैसा रहा, उसको मैंने कैसा किया। दिस वुड हेल्प यू अ लॉट इन टाइम मैनेजमेंट और आने वाले दिन को प्लान कर लेना। सो प्लान एंड रिव्यू योर डे रात को हमेशा। मैंने कल रात को प्लान किया, मुझे पता था अगले दिन सुबह सेमिनार है, उसके बाद ट्रैवल है, उसके बाद फ्लाइट है और कितना रेस्ट बॉडी को चाहिए होगा। इन बिटवीन अब रास्ता है, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ी सी पढ़ाई करूँगा और साथ में थोड़ी सी बातचीत आपके साथ कर रहा हूँ। तो हर चीज़ जब प्लान होती है ना, फालतू का स्ट्रेस नहीं बनता, हर चीज़ होती जाती है। शूटिंग्स भी हो रही हैं, बिजनेस भी चल रहा है, ट्रैवल भी चल रहा है, सेमिनार भी हो रहे हैं और खुद को टाइम भी देता हूँ, बहुत सारी पढ़ाई भी करता हूँ, तभी कर पा रहा हूँ क्योंकि अपने दिन को प्लान करता हूँ, सोने से पहले रिव्यू करता हूँ। आप भी इस आदत को डालो। एक चीज़ जो हम सबको तंग करती है, कहाँ गई वो, ये इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मोबाइल फ़ोन की डिस्ट्रैक्शंस का क्या करें। हम टाइम प्लान तो बनाते हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन की वजह से हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। इसके बारे में भी बात करूँगा, थोड़ा सा गले को आराम देता हूँ और उसके बाद आपको मैं एयरपोर्ट पे जाके या फिर गोवा पहुंच के बताता हूँ कि इसको सही तरीके से कैसे यूज़ करना है, ये नुकसान की जगह बहुत फ़ायदा कर सकता है। तो बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग रही गोवा में। कल रात को थोड़ी थकावट हो गई थी क्योंकि मेरे साथ जो मेरी टीम में दिव्यांशु है उनका बैग एयरलाइन ने गायब कर दिया था, बट बैग तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आज चेक कर लेंगे। लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई, सुबह थोड़ा सा टाइम मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा, बोध गया में बुद्धा से इंस्पिरेशन ली और आज विवेकानंद जी से भी कुछ टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखा। टाइम मिल नहीं पा रहा आपसे शेयर करने का, टाइम मैनेज करके टाइम निकालूंगा आपको टाइम मैनेजमेंट बताने का। सेशन बहुत ही बढ़िया रहा यहाँ पे, जस्ट सेशन से फ्री हुए हैं, 6:30 बजे हैं और मैंने आपको कहा था एक टाइम मैनेजमेंट का और इस मोबाइल मैनेजमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगा। ये जो मोबाइल है ना, ये बहुत ही अच्छा
नौकर है और बहुत ही घटिया मालिक है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको बना देते हैं मालिक, और ये मालिक अच्छा नहीं है। इस फ़ोन को जब हम ओनर बना देते हैं कि भाई तेरे हिसाब से चलेंगे, नोटिफिकेशन आई हम अपने इंपॉर्टेंट काम को भूल के फ़ोन में चले जाते हैं, कोई मैसेज आया हम अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ जॉब पे हैं, वर्क पे हैं, उसी वक्त फ़ोन खोल लिया और फ़ोन को देखना शुरू कर दिया। कितनी बार अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, कितनी सारी चीज़ें लाइफ में मिस कर रहे हैं बिकॉज इसको हमने मास्टर बनाया हुआ है। बट ये उतना ही ज़रूरी है और उतना ही अच्छा है, ओनली थिंग इज़ इसको स्लेव बनाएं, इससे काम ले, इसको नौकर बनाएं, जब मुझे इसकी ज़रूरत है तब इसको पकड़ूं और पूरा फ़ायदा लूं। हर व्हाट्सएप के ग्रुप की नोटिफिकेशन ऑन है तो दिन तो ऐसा ही बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन जो ज़रूरी है उसकी नोटिफिकेशन ऑन रखें, जो नहीं ज़रूरी उसको बंद करें। यू नीड टू मैनेज दिस टू मेक इट अ गुड सर्वेंट, फिर इसके फ़ायदे अनेक हैं। फिर यही आपकी टेक्नोलॉजी है, इसकी ऐप्स आपकी टाइम मैनेजमेंट कराएंगी, इसी की ऐप्स आपकी नॉलेज बढ़ाएंगी, इसी के अंदर वो चैनल्स हैं जिनको आप जिनसे आप सीख सकते हो, इसी के अंदर वो पेजेस हैं जिनसे सीख सकते हो। ओनली डिफरेंस इज आप इसको मास्टर बना रहे हो, ये आपको रूल कर रहा है, या आप इसको रूल कर रहे हो। जब आप टाइम मैनेज करते हो, कई बार कुछ पल अपने समय में से चुरा भी लेने चाहिए और उन पलों को जीना भी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने दिन को जिया, सेशन करके पूरा एंजॉय किया और अब सनसेट देखी बीच पे, एक अलग सा सुकून मिला, पानी के साथ एक अलग सा मज़ा आता है, सनसेट एक अलग सा नज़ारा है। ये तो मज़ेदार सफ़र गया से गोवा तक, और जैसे कि कई बार आप लोगों ने कहा कि सेशंस में आपको साथ लेके जाऊं, तो कोशिश कर रहा हूं हर बार साथ चलें, कुछ ना कुछ सीखते भी रहें और कुछ ना कुछ नया एंजॉय भी करें और बहुत सारी एक्सपीरियंसेस में शेयर कर पाऊं। सो आपको ये कोशिश कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट ऐसी वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। ट्रेनिंग लर्निंग की कमी कभी होना, मिलकर ग्रो करते रहें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।